हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल छाया मिश्रा में। गाइस, आज हम बनाने जा रहे हैं मखाने की बहुत 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 टेस्टी और यम्मी रेसिपी, जो कि बच्चे हों या बड़े हों बहुत अच्छा लगेगा उनको खा करके। और गाइस, इसमें कैल्शियम, फास्फोरस और प्रोटीन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। ये सभी चीज़ें पाई जाती हैं मखाने के। अगर हम गुण गिनवाएँ तो बहुत ज़्यादा होते हैं। बड़े बूढ़े कहते हैं जैसे कि अगर बच्चा हमारा दूध नहीं पी रहा है और वो मखाने खाता है, तो उसको मखाने अगर फ्राई करके दे दें तो दूध की मात्रा पूरी कर देता है वो हमारे बॉडी में। तो चलिए बनाते हैं यम्मी टेस्टी सी रेसिपी। तो ये देखिए, एक पैन ले लिया है, हाफ कटोरी ले लिए हैं हमने मखाने, जिनको हम ड्राई रोस्ट करेंगे क्योंकि अभी बहुत नरम है, तो हम इन्हें ड्राई रोस्ट कर लेंगे। चलाते हुए धीमी फ्लेम पर इसको हमें ड्राई रोस्ट करना है। देखिए, फ्लेम धीमी हो या तेज़, आप उतनी फ्लेम करें जितनी आप एडजस्ट कर पाएँ, उसी हिसाब से आप फ्लेम तेज या धीमी कर सकते हैं। अगर धीमी फ्लेम पर इसको ड्राई रोस्ट करेंगे तो ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाएंगे। तो थोड़ा सा बस यही कुकिंग प्रोसेस है, बाद बाकी इसमें कोई कुकिंग प्रोसेस नहीं है, बहुत इजी रेसिपी लेकर के आए हैं। तो देखिए, इनको धीमी फ्लेम पर हम भून रहे हैं, ड्राई रोस्ट कर रहे हैं। इनमें कोई ड्राई रोस्ट का मतलब इसमें कोई घी तेल हमने कुछ नहीं ऐड किया हुआ है, ठीक है। तो ये देखिए, इस तरह से मसल कर देख लेंगे हम। हमारा मखाना टूट रहा है, अच्छे से मैसी हो रहा है, तो इसका मतलब कि हमारा मखाना भुन चुका है। तो चलिए देखिए, इनको अब हम अलग रखेंगे ठंडा होने के लिए। ये देखिए, हमने ठंडा होने के लिए अलग बाउल में निकाल लिया है मखाने को। तो अब हम ले लेंगे दही, जिसको हम अपने स्पून की सहायता से फेंट लेंगे। स्पून की सहायता से फेंटेंगे, जिससे कि आप इसे ग्राइंडर में डालकर भी फेंट सकते हैं, मगर हम सिर्फ स्पून की सहायता से फेंट लेंगे कि हमारा घर का बना हुआ दही है। तो आप इसी तरह से दही लें मीडियम कंसिस्टेंसी का। अगर आपका ज़्यादा गाढ़ा हो तो उसमें थोड़ा सा पानी मिला लें, और पतला ना लें, क्योंकि पतला अगर लेंगे तो मखाने हमारे जल्दी से मैशी से हो जाएंगे, और अगर गाढ़ा लेंगे मखाने हमारे अच्छे से दही को सोख नहीं कर पाएंगे, इस वजह से हम ऐसा लेंगे। तो देखिए, हमने मखानों को ऐड कर दिया, इसमें कुछ चीज़ें और ऐड करेंगे जैसे धनिया पत्ता। तो ये हम डालेंगे एक स्पून के करीब धनिया पत्ता, ये देखिए अपने हिसाब से। ये हमने डाल दिया है सौंफ का पाउडर, ये हमने डाला जीरा पाउडर, भुना जीरा पाउडर, और ये अब हम डाल रहे हैं इसमें इलायची पाउडर, और अब इसे हम मिक्स कर लेंगे। अभी हमने नमक नहीं ऐड किया है, तो हम इसमें नमक ऐड करेंगे। देखिए गाइस, इसमें हम थोड़ी सी चीनी भी ऐड करेंगे, जिससे कि इसमें खट्टा मीठा स्वाद आए। एक बात और गाइस, देखिए नमक हम ऐड कर रहे हैं सेंधा नमक, जो कि व्रत में खाने के लिए हमने बनाया है। दही में अगर आप चीनी ऐड कर देते हैं तो हमारा दही या मट्ठा जो भी है छाछ, वो खट्टा जल्दी से नहीं होता है। नमक के संपर्क में आने से दही या छाछ खट्टा बहुत जल्दी होता है। इस वजह से अगर आप चाहते हैं कि आपका दही खट्टा ना हो, तो उसमें थोड़ा सा चीनी मिला दीजिए, बिल्कुल खट्टा नहीं होगा। ये एक हमारी टिप है हमारी तरफ से। तो देखिए, हमारा हो चुका है। तो चलिए, इसको हम सर्व करते हैं। ये हम एक लोगों के हिसाब से क्वांटिटी से बना रहे हैं। तो देखिए, इसको थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न देंगे। अगर इसमें हम थोड़े से पीनट ऐड करेंगे, अगर आप चाहते हैं कि नहीं आप सिर्फ रायता खाना चाहते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ मखाने आप ऐड करके इसको सर्व कर सकते हैं। और ये हमने थोड़ा सा इसका क्रंच बढ़ाने के लिए इसमें पीनट भी ऐड कर दिया है, और धनिया पत्ती से गार्निश कर दिया है। हरी मिर्च के साथ सर्व करिए। और आप इसे व्रत वाला हमने बनाया है, तो इसको आप व्रत वाला कुट्टू की पूड़ी या फिर साबुदाना की पूड़ी या किसी के साथ भी आप खाएं, बहुत टेस्टी लगता है। या ऐसे ही सिंपल ही खाएं तो वो भी बहुत बहुत टेस्टी और बहुत यम्मी लगेगा खाने में। तो आज की हमारी ये रेसिपी है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा, और ये बच्चों को, बड़ों को, सबको पसंद आएगी। हड्डियों का जोड़ वगैरह, मतलब कैल्शियम होता है इसमें अच्छे से, तो बच्चों को कैल्शियम भी देती है, तो हड्डियां मजबूत करती है। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। बाय बाय।